हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से UPPCS 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के साथ साथ भी, और साथ में फॉर्म के आप डिटेल भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ACF और RFO की भी वैकेंसी इसके साथ ही इंक्लूड हैं, जबकि मेंस अलग होगा, और दोनों वैकेंसीज इसके साथ हैं, यानी दोनों नोटिफिकेशन इसी के साथ हैं, प्री दोनों का सेम होगा। अगर हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन जो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और जो आपका फाइनल जो सबमिशन आप लोग कर सकते हैं वो 13 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। UPPCS के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी हाल ही में 17 का रिजल्ट आया फाइनल का, 18 का मेंस भी है, और ये 19 का प्री का आ गया। जैसे आप लोगों को पता है कि अब लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और होपफुली ये सब पूरी तरीके से सही सलामत हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर हम लोग इस पर पूरी रणनीति आप लोगों को बताएंगे, और UPPCS के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज भी इस बार इन्होंने दी हैं। बहरहाल पिछले बार से तो कुछ कम ही है, लेकिन वैकेंसीज़ काफ़ी हैं। अगर फीस की हम बात करें तो जनरल और SC के लिए जो हैं वो 125 रुपीज़ हैं। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इसमें फील कर सकते हैं। SC ST के लिए 65 रुपीज़ हैं, और हैंडीकैप्ड के लिए भी 25 रुपीज़ यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को पता है कि प्री होता है, मेंस होता है, और इंटरव्यू होता है। प्री की डेट पहले ही आ चुकी है, 15 दिसंबर को है, ठीक है, और मेंस भी आप लोगों का अप्रैल में इन्होंने संभावित लिख रखा है। तो अप्रैल में ये प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आफ्टर दैट सिलेक्शन, ठीक है। इसमें असिस्टेंट जो फॉरेस्ट कन्वेटर और रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर के, उसका मेंस अलग होते हैं, तो सब दोनों का मेंस अलग अलग होगा, जबकि प्री आप लोगों का सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेजुएशन होना एक जरूरी है। सब रजिस्ट्रार की इस बार भी वैकेंसीज आई हैं, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कैंस ऑफिसर यानी DCO जिसे बोलते हैं, और आपके बात करें DAO की भी हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर की भी हैं, ठीक है, सारी इसमें वैकेंसीज आप लोगों की हैं, और लगभग डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफिसर की हैं, सीनियर लेक्चर की हैं डायट में, तो ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं। कुछ फिजिकल से के भी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो बात की बात है। बाकी फॉर्म आप लोग फिल करा सकते हैं साइबर कैफे से। फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें, पहले फॉर्म फिल करें, फिर पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद फॉर्म को सबमिशन यानी फाइनल सबमिट फॉर्म जरूर निकलवा लें। कई सारे बच्चों से पिछली बार ऐसा हो गया था UPPCS J के बारे में, ताकि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। पेमेंट करने के बाद भी 24 घंटे बाद भी वो आप लोग उसको फॉर्म को सबमिट जरूर करें, ठीक है। तो प्री में सिलेबस आप लोगों का पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, एक CSAT का पेपर होता है, एक आप लोगों का होगा जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट कवर करने होंगे, जिसमें करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर है, नेशनल मूवमेंट है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। एक आपका CSAT का होगा, जिसमें आपका सब मिसलेनियस होता है, मैथ इंग्लिश GK, उसमें सब कुछ आता है, रीजनिंग आती है, और थोड़ा सा उसमें इंग्लिश और हिंदी भी उसके अंदर आती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं, फॉर्म जल्दी जितनी जल्दी हो सके फिल कर दें आप लोग। मेंस के लिए जब आप लोगों के इसमें फिल किया जाएगा, तो मेंस की जो आपकी जिसे बोलते हैं हम कि पोस्ट के अपना प्रिफ्रेंस डालने के लिए, तो वो मेंस जब होता है तब डलवाया जाता है, ठीक है। तो अभी आप अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है मेंस, पहली बार पिछली बार ऑब्जेक्टिव होते थे, बट अब डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है GS का भी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा, UPPCS के लिए हमने प्रीलिम्स के लिए जो GS का पेपर है उसमें हमने पेड ग्रुप स्टार्ट कराया, 75001103 पर आप लोग क्वेरी ले सकते हैं UPPCS प्रीलिम्स के लिए, जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसका हमने पेड ग्रुप स्टार्ट करा है, और इसमें हमारी टीम के साथ भी जुड़ गए हैं, विकास कुमार जी भी हमारे साथ काम करेंगे, और वो करंट अफेयर अच्छे से लिखते हैं, और स्टैटिक भी पूरी तरीके से हम करवाएंगे होपफुली, और पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, पूरा स्टैटिक और सारे का सारा कंटेंट हैंड रिटन होगा, कंसाइज फॉर्म में होगा, और रिलेवेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा। हम पूरी तरीके से आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारा कंटेंट पढ़ के भी बहुत आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। पिछली बार आपको पता था UPPCS प्रीलिम्स में मैंने GS पेपर कराया था, उसमें 117 क्वेश्चन हमारे एज इट इज़ हमारे ग्रुप से लगे थे। मेंस भी मैं बेसिकली मेंस ही कराता हूँ, बिहार मेंस अभी सक्सेसफुली हमने कराया था, 66 लोग हमारे
मेंस के लिए क्वालिफाई मेंस लिखा था, जिन्हें मैंने मेंस लिखाया था, मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते UPPCS के लिए GS वाले पेपर के, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और रिलेवेंट रहेगा। इसमें हमारी टीम में 2-3 लोग और ऐड हो गए हैं, तो आप पूरे पेड ग्रुप की जानकारी के लिए ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी मैंने डिटेल दे रखी है, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं 7500110314 पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में जाएंगी। फॉर्म फिल कर दें जितनी जल्दी हो सके, ऑप्शनल एक ही लेना होगा आप लोगों को, तो ऑप्शनल ले सकते हैं अपना जो भी है, और फिर आप लोगों को फाइनल आपको वो लेना होगा। पेपर दोनों जो प्रीलिम्स होता है वो एक ही दिन में होते हैं। बाकी कोई और आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, पूरे डिटेल से जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए हम UPPCS के लिए वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ होपफुली आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।